दो दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। दो दिन बाद जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करके आतंकियों ने हमसे अनेकों स्वजन छीन लिए। आज भी उनके परिवार इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जिस प्रकार की राजनीति की है, उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव, असुविधा और अवसरहीनता। सिरोही जिला हो, जैसलमेर हो, करौली हो, बारा हो, इन जिलों में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ दिया था, जबकि जिलों में ज्यादातर आदिवासी समाज भी था। आपने बीजेपी को अवसर दिया तो हमने इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाई, इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते काम शुरू किया। आज सुबह ही मैंने नाथ द्वारा में, अभी हमारे अध्यक्ष जी इसका वर्णन कर रहे थे, आज नाथ द्वारा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है।